नमस्कार दोस्तों, कड़वी मगर सच्ची बातें। नदी में नहाने में शर्म आती है और स्विमिंग पूल में तैरने को फैशन कहते हैं। नंबर दो, गरीब को एक पैसा नहीं दे सकता, वेटर को टिप देने में गर्व महसूस करते हैं। नंबर तीन, बहने कुछ मांगे तो फिजूल खर्च लगता है और बीवी कुछ मांगे तो अपना सौभाग्य समझते हैं। नंबर चार, गरीब की सब्जी खरीदने में अपमान की बात लगती है और शॉपिंग मॉल में जेब कटवाना गर्व की बात मानी जाती है। नंबर पाँच, माँ बाप के मरने पर सिर मुंडवाना बुरा लगता है, लेकिन गजनी लुक के लिए हर महीने गंजे हो सकते हैं। नंबर छः, किसान का अनाज खाने लायक नहीं होता और उसी अनाज को पॉलिश कर कंपनी बेचे तो क्वालिटी नज़र आने लगती है। नंबर आठ, यह सब अब संस्कृति ही नहीं हमारे देश और समाज का दुर्भाग्य भी है। नंबर नौ, शादी के बाद पुरुष अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहे तो दहेज का उपयोग कर सकते हैं। यही काम स्त्रियां करें तो सौभाग्यशाली कहलाती हैं। नंबर दस, एक ग्रेजुएट लड़की जो अपने स्वयं का खर्चा खुद नहीं उठा सकती तो वह एक 20 लाख वार्षिक तनख्वाह वाले लड़के से शादी करने की इच्छा रखती है और उस स्त्री पुरुष की बराबर की बात कर सकती हैं। वह यह शिकायत भी कर सकती है कि पति घर के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते। नंबर 11, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद को ही बनाना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।